आपने कई तरह की फैमिली देखी होगी छोटी फैमिली बड़ी फैमिली हाई फैमिली डॉन फैमिली पर आज आपको मिलवाते हैं बंदूकबाज फैमिली से यहाँ यह परिवार राजनीतिक रसूख भी रखता है और इंडनों सत्ताधारी जनता दल यू से जुड़ा हुआ है लिहाजा इस परिवार से सभी दूरी बनाकर रखते हैं अब इस परिवार में एक खासियत है यह परिवार या तो खुश हो या फिर गम में हो दोनों ही स्थिति में बंदूक से फायर जरूर करता है यह वीडियो जरा गौर से देख लीजिए क्या मर्द क्या औरत इस बंदूकबाज परिवार का हर कोई बंदूक चलाना चाहता है यह वीडियो इस परिवार में एक उपनयन संस्कार का है वीडियो जेडीयू के सहरसा के युवा अध्यक्ष केशव चौधरी के परिवार का है जहां औरत मर्द लड़की लड़का सब उपनयन संस्कार के दौरान बंदूक चलाकर अपनी वीरता का परिचय दे रहा है आप कहेंगे कि यह परिवार कुछ भी करे उसे किसी को क्या लेना देना तो जनाब लेना भी है देना भी है इसलिए कि सरकार ने हर्ष फायरिंग को कानूनन अपराध माना है और कहीं भी किसी भी उत्सव में बंदूक दिखाना या फायरिंग करना भारतीय दंड कानून के तहत अपराध है और यह परिवार हर्ष फायरिंग कर रहा है क्योंकि यह सत्ता पक्ष के नेता का घर है तो यहां कैसे कोई फायरिंग करेगा यानी बंदूक के नोक पर सरकार को डराएगा यह वीडियो सहरसा के महिषी के केशव चौधरी के परिवार का है केशव चौधरी युवा जनता दल के जिलाध्यक्ष हैं और जानकारी के मुताबिक उपनयन संस्कार उन्हीं का था इस दौरान बंदूकवाज परिवार के लोग उपनयन कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं से लेकर पुरुष तक किस तरह जश्न बंदूक के नोक पर मना रहे हैं इस दौरान क्या महिला क्या पुरुष क्या नौजवान सब बंदूक पर हाथ साफ कर रहे हैं परिवार अपने रसूख में इस तरह डूबा है कि कोरोना जैसे संक्रमण को ही भूल गया वीडियो में न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिख रहा है न ही किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा है जश्न में डूबे लोग कभी बंदूक तो कभी सपना चौधरी के गाने पर थिरकते दिख रहे हैं जरूर मानो कोरोना संक्रमण सारे सरकारी गाइडलाइन को बंदूक के नोक पर रख लिया हो और कोरोना भी इस बंदूक परिवार से डर गया हो सहरसा से खुलासा के लिए संजीव कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट